हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में SIP क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मालूम नहीं है कि कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हाई रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम उनमें निवेश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हाई रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे टिकट वेबसाइट का, जो कि एक फ्री वेबसाइट है, और उसके थ्रू हम पता करेंगे कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं और कौन से म्यूचुअल फंड्स ने हमारे लिए सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो हम चलते हैं टिकट टैब की वेबसाइट पर। दोस्तों, टिकट टैब की वेबसाइट पर आने के बाद हमारे लिए यहाँ पर एक स्क्रीनर का ऑप्शन दिखाई देगा। हमारे लिए इस स्क्रीनर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। टिकट टैब के बारे में आपके लिए कई बार बता चुका हूँ, जो कि एक फ्री वेबसाइट है जिसके थ्रू हम स्टॉक्स को, म्यूचुअल फंड्स को फिल्टर कर सकते हैं, जिस तरीके से भी हमारे लिए इनको यूज करना हो। मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपके लिए इसके ऊपर वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिनको आप देख सकते हो। तो दोस्तों, हाई रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड को स्कैन करने के लिए हम यहाँ पर नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा MF स्कैनर, इसका मतलब है म्यूचुअल फंड स्कैनर। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे लिए नेक्स्ट पेज पे लेके आएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर 1252 म्यूचुअल फंड लिस्टेड हैं। अब इन 1252 म्यूचुअल फंड में से हमारे लिए उन म्यूचुअल फंड्स को फाइंड करना है जो म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा जिन्होंने रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में या पिछले 5 साल में। तो अब हम यहाँ पर देखोगे, आप यहाँ पर हमारे सामने म्यूचुअल फंड का नेम आ रहा है। यहाँ पर आप नेम दे सकते हो, यहाँ पर उनकी कैटेगरी आ रही है कि किस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स हैं। स्मॉल कैप फंड आ रहा है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग आ रहा है, मिड कैप फंड आ रहा है, फ्लेक्स कैप फंड आ रहा है, यानी जिसके ऊपर वो फंड बना हुआ है वो आपके लिए यहाँ पर उसकी कैटेगरी दिखाई दे जाएगी। इसके बाद इसका प्लान दिखा रहा है, ग्रोथ यानी इनमें ग्रोथ चल रही है, इनमें डिक्लाइन चल रहा है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। AMU वो आप यहाँ से देख सकते हो। CAGR हमारे लिए देखना है, CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी 3 साल में, यहाँ पर 3 ईयर का आ रहा है, तो हम देखेंगे कि 3 ईयर में कितने परसेंट की इन्होंने ग्रोथ दी है। जिस भी म्यूचुअल फंड ने हमारे लिए सबसे ज़्यादा ग्रोथ दी होगी उनको हम यहाँ पर स्कैन करेंगे। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे लिए यहाँ पर फिल्टर यूज करना है, और फिल्टर के थ्रू हम पता करेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड में हमारे लिए सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा CAGR 3 ईयर परसेंटेज का। अगर आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई नहीं देगा तो हम ऐड फिल्टर पे क्लिक करेंगे। ऐड फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है CAGR 3 ईयर। हम यहाँ पर टिक करेंगे, इस पर हम टिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ गया CAGR 3 ईयर परसेंटेज, यानी 3 ईयर का हमारे लिए CAGR देखने, यानी पिछले 3 ईयर में हमारे लिए कितने परसेंट का यहाँ पर रिटर्न मिला है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे लो आ रहा है, मीडियम आ रहा है और हाई आ रहा है। तो हम हाई पे क्लिक करेंगे। तो जिन म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया होगा उन म्यूचुअल फंड्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमने हाई पे क्लिक किया, हमारा यहाँ पर फिल्टर लग गया। 1246 में से लगभग 344 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बचे हैं जिन्होंने पिछले 3 ईयर में अच्छा रिटर्न दिया है। अब दोस्तों, हम यहाँ पर एक फिल्टर और लगाएंगे कि जिनका मार्केट कैप पर्टिकुलर एक अमाउंट से ऊपर हो। तो हम AUM पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम मिड पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे, या हम हाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पर दो फिल्टर्स को यूज किया। दोनों फिल्टर्स को यूज करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर 115 ऐसे म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में अच्छा रिटर्न दिया है और इनका मार्केट कैप भी अच्छा है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है CAGR 3 ईयर का। हमारे लिए इस जो आपके लिए एरो दिखाई देगा, इस एरो पे क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ गए जिन म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला हमारे सामने म्यूचुअल फंड आ रहा है केनरा रॉयल स्मॉल कैप फंड, यहाँ पर 41.72% का रिटर्न दिया है पिछले इन्होंने 3 साल में। इस दूसरे बार आ रहा है PGIM इंडिया मिड कैप, 40% का इन्होंने रिटर्न दिया है। क्विंट एक्टिव फंड, यहाँ पर 37% का रिटर्न दिया है। अब अगर आपके लिए किसी भी फंड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम इस फंड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम केनरा रॉयल स्मॉल फंड पे क्लिक करते हैं और इसको हम नेक्स्ट पेज पे ओपन करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर ओपन करने के बाद हमारे लिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। आप यहाँ पर देखोगे पिछले 5 साल का यहाँ पर चार्ट अपलोड हो रहा है। पिछले 5 साल में हमारे लिए यहाँ पर देख सकते हो 29.71% का यहाँ पर हमारे लिए प्रॉफिट हुआ है, और हम पिछले 3 साल का देखें तो पिछले 3 साल में हमारे लिए यहाँ पर 41% का आप देख सकते हो
प्रॉफिट हुआ है, यानी 41% का रिटर्न मिला है। और अगर आप एक साल का देखोगे तो अभी एक साल में हमारे लिए ओनली 4% का प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड है वो साइडवेज में है। तो हम यहाँ पर लास्ट 3 ईयर का देख रहे हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर इसका वो दिखाई दे रहा है परसेंटेज, इसने लो कितना लगाया और हाई कितना लगाया, वो आप उसकी प्राइस को भी देख सकते हो। अब आपके लिए यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की वो भी दिखाई दे रहा है कि मिनिमम लमसम कितना कर सकते हो आप, 5,000 रुपये से इसमें कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। अब यहाँ पर आपके लिए म्यूचुअल फंड का वो कैलकुलेटर आपके लिए दिखाई दे रहा है, रिटर्न कैलकुलेटर। यहाँ पर आप अगर मंथली 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए यहाँ पर सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टेड हैं आपके 1,80,000 रुपये, रिटर्न आपके लिए 74% का मिला है, 1,33,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, टैक्स आपका 10% चला जाएगा, तो आपका टोटल यहाँ पर रुपये हो जाएंगे 3,09,852। इन 3 ईयर का आपके लिए वो दिखा रहा है, 3 ईयर में आपके कितने रुपए यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा या कितने रुपए आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम टिकर टैप का यूज़ करके हाई रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके लिए इन म्यूचुअल फंड्स में से जिसमें भी निवेश करना है आप उसमें निवेश कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ।